Hello dear students, how are you all? Yes, you all are good? Yes. During lockdown, no class? Okay. So today we shall learn the first chapter of your SS. Yes, the solar system. First post में का जो पहला chapter है, the solar system. बच्चों, solar system क्या होता है? आपने already science में पढ़ा है कि सन और उसके साथ में जो 8 प्लैनेट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम. तो यहाँ पे पहला एक्टिविटी हमें कुछ दिया हुआ है. लेट्स सी द एक्टिविटी. टिक राइट द थिंग्स यू सी इन द स्काई. आसमान में जो सारी चीज़ें आप देख सकते हो उसको क्या करोगे? टिक करोगे. तो सन ऑफ कोर्स वी कैन सी. ट्री तो हमारे अर्थ में. स्टार्स यस इन द स्काई. रिवर तो हमारे पास. मून यस. स्नो तो हमारे पास. क्लाउड आसमान में देख सकते. ओके, तो सन, स्टार्स, मून एंड क्लाउड. यस, ये सब हमारे सोलर सिस्टम में. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द यूनिवर्स. बच्चों, यूनिवर्स किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो बच्चों, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो आसमान में जो तारे होते हैं उन तारों का एक ग्रुप बनता है. वो दस ग्रुप का बनता है. तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनते हैं तो उस ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं. अब जब गैलेक्सी प्लूरल हो जाती है, यानी कि ऐसे बहुत सारे तारे मिलके बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं, तो उनको गैलेक्सीज़ बोलते हैं. तो जब वो गैलेक्सीज़ बोलते हैं तो इसका मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्स बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्स. तो ये बच्चों, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ यूनिवर्स का. आप देख सकते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारा. तो यूनिवर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे? गैलेक्सीज मिलेंगे, सन मिलेंगे, प्लैनेट, स्टार, एस्ट्रॉयड्स. एस्ट्रॉयड कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? एस्ट्रॉयड आप देखेंगे तो ये रॉक टाइप के होते हैं. यस, ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं ऐसे. और दूसरे मैटर्स आपको मिलेंगे. यस, ओके. अब किसी को भी नहीं पता बच्चों, आपको पता है ये दुनिया कितनी बड़ी है, या तो फिर ये हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अंतरिक्ष, वो किसी को नहीं पता. ओके बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में. बच्चों, आपने पोएम तो सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ओके, तो बच्चों यहाँ पर भी बताया गया कि रात में जो तारे होते हैं वो चमकते हैं. बच्चों, तारे चमकते हैं. यस, मैं बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो सन होता है वो भी एक स्टार है. क्यों? क्योंकि स्टार के पास खुद अपनी रोशनी होती है. यस, वो खुद हॉट यानी कि गर्म, हीट गर्म पैदा करते. तो सन के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो खुद गर्म भी होता है और दूसरों को रोशनी भी देता है. तो ऐसे ही सन भी क्या है? एक स्टार है. स्टार जो होते हैं प्यारे बच्चों, बताया गया है हीट एंड लाइट. यस, उनके पास दोनों होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं ऐसा. ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो स्टार्स होते हैं वो मिलके एक शेप बनाते हैं. तो ये इनफाइनाइट शेप भी हो सकता है और डेफिनेट शेप भी हो सकता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हो ऊर्सा मेजर का शेप. यस, ऊर्सा मेजर के शेप पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यस, एक लुक लाइक अ बियर टाइप और अ कैट टाइप. यस, लेपर्ड यू कैन से अबाउट. यस, तो ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा है. तो जो ये जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न्स को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं बच्चों? कॉन्स्टलेशन. यस, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये ग्रेट बियर भालू जैसा है. ये जो ऊर्सा मेजर है, यस, ये भालू जैसा आपको दिख रहा है ना चित्र में. यस, तो जब स्टार से कोई आकृति, कोई पिक्चर बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सोलर सिस्टम. तो हमने स्टार्स के बारे में तो जान लिया. बच्चों, आप जानते हो कि सारे प्लैनेट्स हमारे सन के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं? यस, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो प्लैनेट होते हैं वो अपने एक्सिस पे, यानी कि अपनी जगह पे पहले तो गोल घूमते हैं और उसके बाद सन के आसपास ये सारे प्लैनेट चक्कर काटते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रेविटी. ग्रेविटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई चीज़ किसी चीज़ को खींचती है अपनी तरफ. तो ऐसे ही ये जो सारे ग्रह हैं ये सन के इर्द गिर्द इसलिए रहते हैं कि सन उन्हें क्या करता है? यस, वो अपने पास अट्रैक्ट करता है. इसके लिए बच्चों, अगर हम सन की बात करें तो सन तो काफ़ी बड़ा है. यस, वो पूरी दुनिया को वो एनर्जी देता है. कौन सी? सनलाइट देता है ना. सन की रेज आती होंगे तो आपने भी देखा होगा, है ना. ओके बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि सन जो है हमारे दुनिया से क्लोज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ सन बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और इसकी जो किरणें हैं सन की वो सिर्फ़
आपको मैं सही में बताऊं बच्चों तो 3-4 मिनट में आपके ग्रह तक पहुंच सकती हैं ऐसा। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बताया गया है, फिर भी सन हमें कैसा नज़र आता है, छोटा। क्यों? क्योंकि सन हमारे पृथ्वी से दूर है। यस, ओके। अच्छा बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि सन है इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल। अगर आप देख सकते हो तो जितने भी जीव जंतु एनिमल प्लांट ह्यूमन बीइंग आप देखते हो, फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये सब बिकॉज ऑफ सन की वजह से ही सारी चीज़ें उगती हैं और हेल्प मिलता है उनको इसीलिए। बच्चों द प्लैनेट्स, अब हम प्लैनेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? देर आर टोटल 8 प्लैनेट। कितने प्लैनेट हैं? 8। 8 प्लैनेट में भी 4-4 डिवाइड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो 8 प्लैनेट में, ठीक है, सन के बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर सैटर्न, ये सब हैं। अब जो इसमें पहले 4 प्लैनेट हैं यानी कि मर्क्यूरी वीनस अर्थ एंड मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी इनमें ये रॉक से बने हुए हैं, इन पे रॉक से बने हैं, पत्थर से बने हुए हैं ये। यस, तो ये मेड ऑफ रॉक और सॉलिड मटेरियल हैं। अच्छा, उसके बाद जो 4 दिए गए हैं वो गैस प्लैनेट यानी उनके अंदर क्या भरे हुए हैं, गैस से बने हुए हैं वो। अच्छा बच्चों, व्हाट इज़ दिस, ये आप जानते हो अच्छे से, चंदा मामा। यस बच्चों, चंदा मामा के बारे में अगर बात करें तो चंदा मामा कोई प्लैनेट तो नहीं है। यस, ये एक सैटेलाइट है। चंदा मामा क्या है? सैटेलाइट। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे सैटेलाइट है, तो बच्चों सैटेलाइट भी 2 तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो जो मून होता है वो नेचुरल सैटेलाइट है। कैसा है बच्चों? सैटेलाइट यानी कि भगवान की देन है वो, और वो आप देखोगे तो हर ग्रह के पास अपना सैटेलाइट है। जैसे कि मून है, किसी के पास तो 2-3 मून है, लेकिन अर्थ के पास सिर्फ 1 ही मून है बच्चों। यस, अच्छा आप देखते हो कि जो हमारा सन है वो दिन में और मून रात में शाइन करता है बच्चों, है ना। ये भी सैटेलाइट जो है वो सन से क्या करता है, एनर्जी लेता है, रोशनी लेता है और फिर रात को चमकता है ऐसा। यस, अच्छा यहाँ पे बताया गया बच्चों, याद रखें कि मून जैसे अर्थ में एयर वाटर लाइफ पॉसिबल, वैसे मून में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मून जो है लाइफलेस चीज़ है। अच्छा अब हम बात करेंगे बच्चों अर्थ के बारे में। तो यहाँ बताया गया कि अभी तक तो हमें पता है कि हम जो इंसान है वो अर्थ पे रहते हैं, और यहाँ पे क्या बताया गया कि इस अर्थ जो है वो 90.9.5 बिलियन ईयर्स पहले बना हुआ था। यस, इतने साल मतलब हो गए, देखिए बच्चों। यस, इसमें बताया गया है कि अर्थ का जो 100% में से 71% है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ना अर्थ पूरा ब्लू क्यों लग रहा है, बिकॉज वाटर, और लैंड एरिया क्या है, कम है बच्चों ऐसे। यस, अच्छा ये सनलाइट लेता है सन से। यस, इसमें वाटर लिक्विड ये सब चीज़ें, एटमोसफियर सब चीज़ें हैं। अच्छा इसीलिए इस पर लाइफ पॉसिबल है बच्चों। अब हम बात करेंगे गैलेक्सीज़ की। तो मैंने बताया था पहले ही आपको, जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं तब वो यूनिवर्स बन जाते हैं। अच्छा ऐसे ही बच्चों गैलेक्सी जो है, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश में नाम दिया गया है द मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोला गया है? द मिल्की वे गैलेक्सी। बच्चों ये तो इंग्लिश नाम है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। अच्छा तो हम सब जो सोलर सिस्टम और सब यूनिवर्स देख रहे हैं वो आकाश गंगा है। अच्छा अब यहाँ पे क्या बताया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं मिल्की वे के बारे में। अच्छा अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स में ऐसे और आकाश गंगा यानी मिल्की वे ही नहीं, और भी सारी गैलेक्सी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यस, एंड्रोमेडा, ब्लैक आई एंड वर्लपूल, ये सारे गैलेक्सीज़ के नाम हैं। एंड्रोमेडा के बारे में आपको बताया गया है बच्चों, आप देख सकते हो पिक्चर में। तो ये दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, लेट्स टेक अ रीकैप। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वी लर्न अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स हमें पता चला कि जो स्टार होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं तो उनको गैलेक्सी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो यूनिवर्स हो जाता है यानी कि ब्रह्मांड। फिर हमें पता चला स्टार्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप भी बनाते हैं तो उसको कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। जैसे कि ऊर्सा मेजर यानी कि ग्रेट बियर का यहाँ पे शेप बना हुआ है भालू के आकार का। फिर हमने सोलर सिस्टम के बारे में पता किया, हमारा आकाश गंगा है,
यानी कि मिल्की वे, सन के रोल के बारे में पता चला, अर्थ के रोल के बारे में पता चला, जो 8 प्लैनेट है उसके बारे में हमने पढ़ा कि पहले जो 4 प्लैनेट हैं मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी है, अर्थ है, वेनस है, मार्स है, इस पे लाइफ, इस पे ये रॉक वाले हैं, सॉलिड वाले हैं, बाकी जो है वो गैसेस हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट उनको कहा गया है। अच्छा फिर गैसेस प्लैनेट, तो आप ये टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल और गैसेस गैस प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस याद रखिए। फिर हमने मून के बारे में पढ़ा कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के पास एक ही मून है, और भी ग्रह हैं जिसमें दो दो मून भी हैं, ऐसा है। यस बच्चों, यस मून का हमने देखा है साइज चेंज भी होता है, बढ़ता भी, छोटा बड़ा होता है ना चंदा मामा। यस फिर हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, तो हमें पता चला 71% वाटर अवेलेबल है। यस फिर हमने गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा, और भी कितने टाइप्स की गैलेक्सीज है वो भी हमने देखा बच्चों। कौन कौन सी टाइप्स की गैलेक्सी देखी हमने? यस एंड्रोमेडा, ब्लैक आई एंड व्हर्लपूल। वेरी गुड बच्चों।